नेक्स्ट गाड़ी अब मैंने सुना आप लेजेंडर लेने वाले हो। कहाँ जा रहे हैं? मैं तो जा ही नहीं रहा। तो एक्चुअली गाड़ी स्टार्ट होते हुए देखी इसने और ये गंद इसको बिल्कुल पसंद नहीं है। ये देखिए आप, एक चीज है कि थार से लंबी है। काफी टाइम से हम वेट कर रहे थे कि ये वीडियो हम शूट करें। टूट भी गए तो दे आर वेरी वेरी कॉस्ट इफेक्टिव। अदर देन दैट उसके एक एक्सल जो है वो है कोई 20-25 हजार का। तो मैंने एक एक्सल अभी 1500 का ठीक करवाया। तो ये इंटरनेशनल मॉडल है, वो इंडियन मॉडल है। जिप्सी फंसती है ना तो चार बंदे धक्का मार के जिप्सी निकाल सकते हैं, और ये फंस गई तो फिर जेसीबी बुलाना पड़ता है। ये एक मेजर फर्क है। जैसा कि बात कर रहे थे जिप्सी और शोएबिया की ना, थार को कंपेयर करना चाह रहे थे। ऑफ रोड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो ये चीज बहुत ज्यादा डिमांड में रहती है कि जिप्सी और थार में आखिर फर्क क्या है, कौन सी बेटर परफॉर्मेंस है। एक डिटेल्ड और इन्फॉर्मेटिव वीडियो है वो बनाने वाले हैं, क्योंकि थार अभी लगी हुई है पीछे। तो गाड़ियां निकाल के हमें यहां पे लगानी है साइड पे, ताकि हम अपनी जिप्सी को वहां घुसा दें। इतनी देर मैं गाड़ियां निकाल लेता हूं बाहर। तो जी, स्कॉर्पियो तो फिलहाल निकाल दी है, आज हम लेजेंडर की सवारी भी करने वाले हैं। लेट्स सी हाउ इट फील्स इनसाइड कार वर्थ 52 लाख। ओह माय गॉड, ये ऑटोमेटिक गाड़ी है तो इसे हम कर लेंगे पुश स्टार्ट बटन से स्टार्ट। दिक्कत क्या हो रही है पता है आपको? ये है ऑटोमेटिक गाड़ी पे, जैसे ही हम ब्रेक छोड़ेंगे तो गाड़ी चलना शुरू हो जाएगी। और मैं क्लच का वो लगा रहा हूँ ऑटोमेटिक गाड़ी का, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस नहीं है। कहाँ जा रहे हैं? मैं तो जा ही नहीं रहा। तो एक्चुअली गाड़ी स्टार्ट होते हुए देखी इसने और ये गंद इसको बिल्कुल पसंद नहीं है। ये देखिए आप, कहाँ जा रहे हो? आ जाओ आ जाओ आ जाओ। एक तो ड्राइवर भी है नाड़ी साहब बैठा है। तो नेक्स्ट गाड़ी अब मैंने सुना आप लेजेंडर लेने वाले हो। कैसा लगा मेरा मजाक? मेरी ड्राइविंग कैसी लगी? अच्छी लगी। कह रहा है यार क्या आदमी है ये, नहीं चलानी आती। तो जो फिलहाल हमने गाड़ियां वाड़ियां तो लगा ली हैं बाहर, अब जो हमारी मेन मुद्दे की बात है, चले आओ फिर जिप्सी। मैं लाऊं क्या आप लोग? नहीं, जिप्सी तो आप ही लाओगे। तो फिट तो आप मुश्किल से ही हो रहे हो, लेकिन फाइनली दोनों गाड़ियां हमने यहां पे लगा दी हैं। काफी टाइम से हम वेट कर रहे थे कि ये वीडियो हम शूट करें। वीडियो शूट करने ही लगे थे, उससे पहले कॉफी आ गई है तो पहले वो पी लेते हैं। क्या पी रहे हो? ब्लैक कॉफी। अपन नॉर्मल वाली पियेंगे। हाँ तो तुम भाई, आज क्या मोटिव है आपकी वीडियो का? अच्छा, तो मैंने पहले ही बता दिया, लेकिन फिर थोड़ा सा बता देते हैं। जिप्सी और थार को आज हम करेंगे कंपेयर। वैसे इन गाड़ियों का आपस में कोई कंपैरिजन नहीं है, अगर हम प्राइस पॉइंट को देखें, मॉडिफिकेशन को देखें, और वैसे भी साहब ने तो कोई ज्यादा ही मॉडिफाई कर रखी है। लेकिन जो दोनों गाड़ियों का काम है, ऑफ रोड पे जाती है, उस चीज में ये सिमिलर है। हर एक डिटेल आपको बताएंगे। और हमारे प्रोफेशनल कार रिव्यूअर आ चुके हैं। हाँ जी, इंडिया के टॉप प्रोफेशनल कार रिव्यूअर बनने वाले हैं ये। टॉप गियर इंडिया वाले जल्दी रिक्रूट करने वाले। दोनों गाड़ियों को कंपेयर करना है। हाँ जी, क्योंकि ये गाड़ी सिमिलर होते हुए भी ना, दोनों बेसिक 4x4 हैं, लैडर ऑन फ्लेम इनकी चैसी का वो है, में कितने सिमिलर हैं और चलाने में कितना डिफरेंस है इन दोनों में, क्योंकि बहुत डिफरेंस है जमीन आसमान। तो बेसिकली क्या होता है कि इसमें चेसीज अलग होती है और उसके ऊपर बॉडी माउंटेड होती है थ्रू बॉडी बुशेज। मैं आपको दिखा देता हूँ, और ये इसके बॉडी बुश है और ये इसकी बॉडी है। हाँ, ये ऊपर दिख रही है, और ये दोनों गाड़ियों में सेम सेटअप है। हाँ, सेम सेटअप है। ये चेसी आ गई और इसके ऊपर वाली बॉडी है। ये बॉडी आ गई, मेरी को थोड़ा जंग ज्यादा लगा हुआ है, 2003 मॉडल है, लेकिन इन सब चीजों को आपको इग्नोर करना है आज। ऐसी कौन सी गाड़ी है जिसकी बॉडी और चेसी सेम होती है? एसयूवी, ब्रेजा, जीप, कंपस। तो गाड़ी हार्ड कोर ऑफ रोड हम कहे, वो आपको लैडर ऑन फ्रेम है ना, तो ये एक बेसिक चीज आ गई दोनों गाड़ियों की सेम। उसके बाद ये दोनों बहुत पुराने मॉडल है, मतलब ये वाली शेप भी आई थिंक 1940 या 1950 से, जब से जीप का सीजे वाला लाइसेंस हुआ था, तब से महिंद्रा ने जो इनसे खरीदा था तब से यही शेप चल रही है। अब जो है नहीं आई है थार 2020, वो चेंज कर दी है। और ये तो आपको पता है 2003 मॉडल की ये जिप्सी है। आप लोग जो देख रहे होगे, आप लोगों से बड़ी तो ये जिप्सी है। पीछे से देख रहे हो आप दोनों गाड़ियों का लुक्स कुछ ऐसा लगता है। क्या है कि जिप्सी ना काफी छोटी है थार के कंपैरेटिवली, लेकिन जो मैंने रूफ टॉप टेंट ऊपर लगा दिया है उससे ये थोड़ी सी बड़ी लगती है। एक चीज है कि थार से लंबी है, थार छोटी है इससे लेंथ में, हाइट में। ऑल्दो थार इसको हमने लिफ्ट भी किया हुआ है, तो इसकी वजह से थार ऊंची है, लेंथ में जिप्सी लंबी है। दोनों शॉर्ट व्हील बेस्ड जिप्स हैं, 4x4 जीप्स हैं, बस ये डीजल में है और ये पेट्रोल में। ये इसका बहुत बड़ा डिफरेंस है, इट मेक्स ऑल द डिफरेंस इन ड्राइविंग दिस, क्योंकि ये टर्बो चार्ज्ड है, इसमें टर्बो लैग होगा। ये विदाउट टर्बो इसका इंस्टेंट पिकअप होता है। जैसे अगर जिप्सी और थार की ड्रैग रेस लगे तो फर्स्ट सेकंड गियर में इसकी, इवन इस रीमैप थार को भी जिप्सी पीछे छोड़ देगी। जब उसका टर्बो किक इन करता है अब 60 किलोमीटर पर आवर, फिर वो उसको रील इन करेगी और फिर अल्टीमेटली वो आई थिंक जीत जाएगी। अगर हम बात करें मॉडिफिकेशन की, इन्होंने काफी ज्यादा कर रखी है। मेरी बिल्कुल स्टॉक ही है, बस एक लाइट इसमें डली है जो पहले इसमें ही डली हुई थी। तो बेसिकली ये दोनों गाड़ियां काफी सेम है, बॉक्सी डिजाइन कहते हैं कि ये काउ जो होती है वो मोर एरोडायनामिक देन अ जीप, क्योंकि इनका फ्लैट
विंडस्क्रीन होता है तो बिल्कुल हवा के, मतलब कहते हैं ना जैसे और गाड़ियां स्लीक होती हैं वो हवा उनके ऊपर से फ्लो करती है, ये बिल्कुल एज अ ब्रिक चलती है। इसमें जो बम्पर है एक कस्टम है, विंच लगी हुई है। मेरा जो बम्पर है स्टॉक ही है और विंच भी नहीं है, तो इसकी ग्रिल भी चेंज है, मेरी ग्रिल भी स्टॉक ही है। टायर खैर दोनों में ही मॉडिफाई हो रखे हैं, तो इसमें रडार एम्प्टी है, मेरे में है गुडियर के। तो एक बार आपको इंजन खोल के दिखाते हैं अंदर से ना, तो आप अपनी गाड़ियां खोलो, हम अपनी गाड़ियां खोलते हैं। जैसे जिप्सी का आप खोलते हो तो आपको पीछे करना पड़ता है ऐसे, कर सकते हैं। पर इसमें ऑप्शन है ना दूसरा भी, इसका हुड काफी ज्यादा हैवी है। जब जिप्सी डिसकंटिन्यू हुई आई थिंक इट वाज अराउंड 7-8 लाख, जब ये था 700 मैंने लिए तो इट वाज ऑन रोड अराउंड 12-13 लाख। तो फर्क तो है, इसके ऊपर इतना कुछ है तो वो बात कहीं मैच नहीं होती है, बट ये है कि दोनों बेसिक इनका पर्पस सेम ही है, मैच नहीं होती। मैं भी ऑफ रोड पे जाता हूँ, ये भी ऑफ रोड पे जाते हैं, ये बात जरूर मैच होती है। अगर हम बात कर ले इंजन की, CRD का इंजन है, महिंद्रा का CRD मॉडल 2.5 लीटर इसका डिस्प्लेसमेंट है। ऑफ रोड में ना कॉन्टैक्ट पैच बढ़ाने के लिए वी नीड बिग टायर्स और स्पेशली मड टेरेन्स, काफी बड़ा है साइज में, तो ये इसका इंजन को बहुत स्लगिज बना देता है। मतलब बिल्कुल पावर लगती ही नहीं है इसमें, मतलब ऐसा लगता है कि बहुत लैग है, कहीं कहीं पे जगह पे इंजन स्टॉल कर जाता है। तो उसके लिए हमने क्या किया, इसमें रीमैप किया हुआ है, इसका ECU होता है जैसे आपकी गाड़ी में भी ECU है, तो ECU से हमने इसको रीमैप किया हुआ है। पीच ट्यून का इसमें रीमैप है, उसका क्लेम्ड आउटपुट, बिकॉज डाइनो जम्मू में है नहीं, तो क्लेम्ड आउटपुट अबव 150-160 हॉर्सपावर। तो पहले कितनी आती थी, पहले 105 आती थी। इसमें EGR भी डिलीट किया हुआ है, इंटेक है, कोल्ड एयर इंटेक, स्नॉकल है, एक BMC का फिल्टर अंदर है। की पावर मतलब रफली 160-165 HP तक तो होगी जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि इतना हैवी कार है, इट्स अबाउट 3000 kg। तो यही मेन रीजन है कि ये गाड़ी हमारी मेजर रिकवरी व्हीकल है, ये फंस जाए तो इसे कोई नहीं निकाल पाएगा, लेकिन अगर कोई गाड़ी फंसती है तो ये गाड़ी निकालती है। तो जिप्सी भी रीमैप हो जाएगी, आई थिंक इसका ECU ही चेंज हो जाता है जहाँ तक मुझे याद है। तो वो क्या करते हैं कि बलिनो का 1.6 ब्लॉक डालते हैं अलॉन्ग विद RD का कस्टम ECU होता है। एंड ऑफ द डे आपको जिप्सी में पावर की जरूरत नहीं, क्योंकि ये लाइट वेट है, आप इसमें वो चीजें कर सकते हो जो आप उसमें नहीं कर सकते। एक आपको टूटने का डर नहीं रहता, आगे भी सॉलिड एक्सल है, पीछे भी सॉलिड एक्सल है, पट्टे हैं, ज्यादा ज्यादा बेंड होंगे तो वो मार के वापस सीधे हो सकते हैं, टूट भी गए तो दे आर वेरी वेरी कॉस्ट इफेक्टिव। अदर देन दैट उसका एक एक्सल जो है वो है कोई 20-25 हज़ार का। तो मैंने एक एक्सल अभी 1500 का ठीक करवाया, उसमें CVs है, इसमें सॉलिड एक्सल है। इसका इंजन जो है वो 1.3 लीटर का इंजन है। मेरे इंजन की हालत थोड़ी सी ज्यादा ही खराब है, लेकिन आप देख सकते हो कितना बेसिक है, आपको इंजन पूरा क्लियरली दिख रहा है इस गाड़ी में। आप देखो देख रहे हो कितनी सारी चीजें हैं। फिर जिप्सी से ना कंपनी से स्नॉकल का प्रोविजन आता है, तो ये क्या है कि यहाँ पे ये देखें पाइप ली हुई है, तो व्हाट यू हैव टू डू इज यहाँ पे ड्रिल करोगे एंड देन कनेक्ट स्नॉकल। जैसे उसमें कोई ऐसा नहीं आता प्रोविजन के, इंटरनेशनल मॉडल का है, और इसके अपग्रेड्स भी बहुत अच्छे आते हैं, कार के लिए अपग्रेड्स नहीं आते। इसमें प्रॉपर ARB का सस्पेंशन आता है, इसके लिए सब बोल्ट ऑन किट्स आती है, ब्लोअर की, AC की, हर चीज की। तो ये इंटरनेशनल मॉडल है, वो इंडियन मॉडल है। अब मेरे ख्याल से महिंद्रा जो है रॉक्सर के नाम से बाहर की कंट्रीज में बेचता है, वो थार DI पे बेस्ड है, थार CRD मुझे नहीं लगता बाहर जाती है। और उसके बाद उसमें जब आप एक्सेलरेटर देते हैं तो वो एक कंप्यूटर के ECU रीड करता है उसको, और वो आगे उसको इंजन पे बेचता है। इसमें वायर सिस्टम होता है, जैसे आपकी वायर एक बार टूट भी गई थी तो ये यहाँ से अगर हम रेस करेंगे ऐसे तो ये अंदर से रेस करेगा। अगर आप गाड़ी स्टार्ट करके हम डेमोन्स्ट्रेट भी कर सकते हैं, तो इसका क्लच का भी वायर होता है, उसमें सिलेंडर्स होते हैं, हाइड्रोलिक्स होते हैं, क्योंकि वो हैवी व्हीकल है, ये बहुत लाइट वेट है, और ये लाइट वेट इसकी सबसे बड़ी एडवांटेज है। ऑफ रोड में भी जब हम जाते हैं जिप्सी फंसती है ना, तो चार बंदे धक्का मार के जिप्सी निकाल सकते हैं, और ये फंस गई तो फिर JCB बुलाना पड़ता है, ये एक मेजर फर्क है। आप ये मत सोचिए कि इसका इंजन छोटा है तो उसका इंजन बड़ा है तो ये कम कैपेबल है, वो पावर टू वेट रेशियो इसका बेटर होगा शायद उससे। दोनों गाड़ियां बहुत कॉम्प्लिकेटेड है ड्राइव करना, मेरे को लगता है कि मैं इनकी जिप्सी फंसा दूंगा और ये मेरी थार फंसा देंगे। अभी इनको बंद कर लेते हैं, और बेसिक डिफरेंसेस हैं जो ये नेक्स्ट इज सस्पेंशन प्लेज अ बिग रोल इन ऑफ रोड, क्योंकि ट्रैवल इज एवरीथिंग। क्योंकि अगर आपका टायर एक हवा में चला गया तो क्या होता है कि डिफरेंशियल होता है, वो आपकी पावर वहां भेजेगा जहां लीस्ट रेजिस्टेंस होगी, तो सारी पावर वहां चल जाएगी। इसमें क्या है IFS बोलते हैं, इंडिपेंडेंट फ्रंट सस्पेंशन। इसमें क्या होता है दो आर्म्स होती हैं, एक अपर कंट्रोल आर्म, एक लोअर कंट्रोल आर्म। एडवांटेज है वो है कि ये कंफर्टेबल होता है, ऑफ रोड में उतना रोबस्ट नहीं होता है एज अ सॉलिड एक्सल, इसका ट्रैवल जो होता है वो बहुत लिमिटेड होता है। जो सॉलिड एक्सल है जैसे उसमें दिखा देते हैं, अगर ये प्रॉपरली कैम्बर किया हो तो इसका ट्रैवल बहुत अच्छा होता है। मेरी गाड़ी में जो है पीछे सॉलिड एक्सल है, जैसे इसमें जो चारों आगे भी वही है पीछे भी वही है, मेरी गाड़ी में खाली पीछे सॉलिड एक्सल है। सस्पेंशन का इन्होंने बता दिया, अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ बड़ी बेसिक सी। इसका सस्पेंशन देखो, यहाँ पे आर्म है, कितनी सारी चीजें दे रखी है इसमें, समझ आ रही है ना आपको, मतलब आएगी नहीं आएगी, दो आर्म है, बीच में शॉकर भी लगा हुआ है, फिर उसके बाद कितनी सारी चीजें। और अगर हम वहीं पे बात कर लेते हैं जिप्सी में, आप देख रहे हो लिमिटेड नंबर ऑफ चीजें हैं इसमें, कुछ भी नहीं है। ट्रैवल में उसका कोई मुकाबला नहीं है, सॉलिड एक्सल बहुत अच्छा ट्रैवल देता है। प्रॉपर कैम्बर करोगे तो ऐसे ऐसे मेरी जैसे गाड़ी का पीछे वाला आर्टिकुलेशन देखा है
टायर एक बिल्कुल अंदर चल जाता है, दूसरी साइड वाला बिल्कुल बाहर आ जाता है। हाँ, तो वो चीज है। इसमें पीछे सॉलिड एक्सल है, तो इसमें पीछे बहुत अच्छी आर्टिकुलेशन है, अलॉन्ग विद हमने उसको लिफ्ट भी किया है, तो उसकी वजह से बहुत अच्छी आर्टिकुलेशन है इसकी। इसमें आपको एक चीज वो बताता हूँ, क्योंकि मुझे भी कुछ चीजें बड़ी समझने में अच्छी लग रही है। ये जो डिफरेंशियल है ना, ये मोटा सा हिस्सा बोलते हैं इसको, ये सीधा यहाँ से यहाँ पे लिंक्ड है, तो ये आ गया हमारा सॉलिड एक्सल। और अगर हम इस पे बात करें, इसका डिफरेंशियल यहाँ है लेकिन वो सीधा इसमें नहीं घुस रहा है, इसको ज्वाइंट करने वाली ये चीज है। हम जब ऑफ रोड पे जाते हैं तो क्या करते हैं, हब लॉक करते हैं। अभी फ्री है ना, अभी ये देखो मैं ऐसे ना घुमा पा रहा हूँ, तो अगर हम हब को कर देंगे लॉक, करो लॉक, ये लॉक कर दिया, ये लॉक कर दिया, अब इसमें पावर आ गई और अब ये लॉक नहीं घूम पाएगा। अभी कनेक्टेड है तो इससे क्या होता है, इसकी इकोनॉमी बढ़ जाती है, जो फ्यूल इकोनॉमी है ना, क्योंकि ये डिस्कनेक्ट हो गया सब। अब हम बात करेंगे इसके डिफरेंशियल्स की। इसमें क्या है कि जिप्सी में बीच में जैसे इंजन की पावर आ रही है, देन कम्स ट्रांसफर केस। ट्रांसफर केस से दो शाफ्ट जाती है, एक शाफ्ट जाती है पीछे वाले डिफरेंशियल को, एक जाती है आगे वाले डिफरेंशियल को। जो ट्रांसफर केस होता है ना, वो 50-50 भेजेगा, मतलब 50% आपकी पावर पीछे, 50% आपकी आगे। बट डिफरेंशियल जो होते हैं ना, वो वाला पार्ट ढूंढते हैं जहाँ सबसे कम रेजिस्टेंस हो, क्योंकि जब आप मोड़ ले रहे हो, अगर आपका डिफरेंशियल नहीं होगा तो वो आपका क्या होगा, एक्सल डैमेज हो जाएगा, आपका व्हील हॉपिंग करने लग जाएगा एक ही जगह ना, अगर मोड़ के देखेंगे तो एक ही जगह पे स्किड करेगा, क्योंकि जब आप मोड़ काटते हो तो आपका एक व्हील कम ट्रैवल करता है, आगे वाला व्हील ज़्यादा ट्रैवल करता है जो उस साइड होता है। इसमें क्या है कि जैसे आपके दो व्हील हवा में आगे, एक आगे एक पीछे, तो वो दोनों जब हवा में तो ओपन डिफरेंशियल है, तो इसलिए इसके टायर घूमने लग जाते हैं। में रेयर डिफरेंशियल लॉक है, MLD जिसको बोलते हैं, 100 RPM का जैसे ही डिफरेंस आता है दोनों में, वो अपने आप लॉक हो जाता है। कोई ईटाउन कंपनी का आता है, महिंद्रा में पीछे है मगर खाली, जैसे न्यू थार में आगे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है। क्या वो क्या करता है, जो व्हील ज़्यादा स्पिन कर रहा है उस पर ब्रेक लगा देता है, उसको BLD कहते हैं। आई थिंक जिप्सी में अगर लॉकर हो बहुत केपेबल बन जाएगी। इनफैक्ट इन एनी कार अगर लॉकर हो तो लॉकर से गाड़ी मतलब आपकी ऑफ रोड पे आई थिंक सबसे बेस्ट अपग्रेड है, बट बहुत एक्सपेंसिव होता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा रिकवरी। जब गाड़ी अल्टीमेटली फंस जाती है तो फिर उसको रिकवर करने के लिए जैसे जो पॉइंट्स हम यूज करते हैं वो क्या होते हैं। जो इसके ये पॉइंट्स है ना, ये उतने रोबस्ट नहीं होते, और ये ना टाई डाउन पॉइंट्स होते हैं, ये वाले, ये होते तो चेसिस पे हैं बट इन पे जब जोर लगता है, बहुत जोर का झटका लगेगा तो ये निकल जाएंगे। इसमें तो मैंने कस्टम बनवाया हुआ है, ये इसकी चेसी आ रही है, ये इसकी चेसी पे बोल्ट, ये नहीं टूटेगा कभी। टोइंग भी कर सकते हैं, ट्रेलर डाल दिया, जो मर्जी डाल दिया, पिन डाल दी बीच में। कोई ट्रैक्टर वैक्टर अगर आपने देखे है ना, ट्रॉली उनमें ऐसे ही बांधी जाती है हुक लगा के। दोनों गाड़ियों में हमने आपको टेक्निकल डिफरेंस जिप्सी और थार में बताया, तो अब नेक्स्ट इनका बस बताएंगे कि ड्राइविंग में कितना टफ है। तो मैंने मतलब मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है कि गाड़ी जितनी महंगी होती जाती है उतनी वो ईजी होती जाती है ऑफ रोड में। जिप्सी बहुत टेक्निकल, थार उससे इजी है बिकॉज ऑफ द लॉकर एंड इंजन विंजन की वजह से, क्योंकि इसका फोर लो में ये स्टॉल नहीं करती है, बहुत कम चांसेस होते हैं इसके स्टॉल करने के, वो स्टॉल कर जाती है। अभी जैसे हम थार के अंदर बैठे हैं, पावर स्टीयरिंग है, AC है, हीटर है, ब्लोअर है, मतलब अब मैंने अपग्रेड करके इट्स एज गुड एज अ 2021 कार। ब्लूटूथ है, एप्पल कार प्ले है, स्पीकर्स हैं, पावर विंडोज हैं, सेंट्रल लॉकिंग है, और फिर इसका रूफ शूफ, तो दिस इज एज गुड एज एन ऑफ रोडर प्लस एन लाइफ स्टाइल व्हीकल कैन गेट। जैसे नहीं था रहे वो लाइफ स्टाइल है, ऑफ रोड में भी नो डाउट इट्स वेरी वंडरफुल। ये थोड़ा रोबस्ट प्लेटफॉर्म है और ये थोड़ा ओल्ड स्कूल जीप जैसी है। यहाँ पे इसका ये नॉर्मल गियर लीवर आ गया और ये नीचे 4x4 का आ गया, थोड़ा नीचे है, वैसे लगाने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। एर्गोनॉमिक है, जैसे इसका एक और एर्गोनॉमिक डिजास्टर मैं बोलूंगा, जैसे इसका अगर ये हैंड ब्रेक 1-2 लेवल पे हो तो अगर आप रिवर्स लगाओगे तो आपके हाथ पे बहुत लगेगी। अच्छा, ये भी है, हाँ, ये तो बहुत लगेगी। इसको मतलब हैंड ब्रेक नीचे भी और रिवर्स भी आपको ऐसे नहीं लगाना है, आपको ऐसे ऐसे करना है। ये 4x4 भी बहुत ऐसे, आपको यू हैव टू स्ट्रेच आके फिर ऐसे। अब अगर हम आ जाते हैं जिप्सी के अंदर, साल पुरानी गाड़ी, 19 साल पुरानी गाड़ी, 19 साल के हिसाब से भी इट्स वेरी गुड। मतलब ब्लोअर है इसमें, AC अगर आप चाहोगे तो बोल्ट ऑन किट्स आपको मिलती है, AC लगा सकते हो, पावर स्टीयरिंग लगा सकते हो, मगर फिर वो जिप्सी नहीं रही। कॉस्ट इफेक्टिव है, जैसे ये टूटेगी भी बहुत, हर एक मैकेनिक इसको रिपेयर कर सकता है, पार्ट्स इसके आसानी से मिल जाते हैं, देयर इज सो लिटिल टू गो रॉन्ग। गियर लीवर की बात करें तो ये इसका आ गया नॉर्मल और 4x4 का छोटू सा, और ये लगाना इजी है थार के मुकाबले, आपको झुकना नहीं पड़ता ज्यादा। यार ये गाड़ी मैंने 2 लाख की ली थी, 50,000 इस पे और लगे होंगे, बाकी टेंट की कॉस्ट मैटर नहीं करती है। ये गाड़ी इन्होंने 12 लाख की ली थी, जितने लग गए वो बताएंगे नहीं, लेकिन काफी ज्यादा अमाउंट लग गया है। ये गाड़ी भी ऑफ रोड करती है, ये गाड़ी भी ऑफ रोड करती है, आपका विजन क्या है, आप क्या करना चाहते हो? ये गाड़ी एक लाइफस्टाइल व्हीकल कभी भी नहीं है और ये बन भी नहीं सकती, आप जिप्सी के साथ चाहे कुछ भी कर लो ना। यही एक डिफरेंस था छोटा सा जो हम आपको बताना चाह रहे थे, और कुछ कहना था नहीं, बस। बाकी दोनों गाड़ियां ऑफ रोड पे कैसा परफॉर्म करती हैं वो आपने देखा ही है, तो अभी कुछ आपको सामान वामान दिखा देंगे। वी विल टेल यू अबाउट द एसेंशियल्स की ऑफ रोड में, जैसे हमने आपको बताया 4x4 कैसे लगाते हैं, जो नेसेसिटीज होती हैं वो उसके बारे में हम आपको बताएंगे। विंच हमेशा यूज करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि इससे रोप को निकाला, गाड़ी खींची और डाल दी। टेल यू अबाउट की हाउ टू ऑपरेट दिस थिंग, क्योंकि ये बहुत हैवी मशीन भी होती है, इसके अंदर प्लानिटरी गियर सेट होता है। ये अभी एंगेज पे है, अगर हम इसको ऐसे ऐसे करके ऐसे घुमा देंगे तो ये होगी फ्री पे। अब मैं इसको रोप को खींच सकता हूँ बाहर, बट जब ये ट्रायंगल होगी तब हमें एंगेज करके
विद अ कांस्टेंट फोर्स तभी निकलेगी है। ये फेयर लीड है, ये विंच को जब हम ऐसे पुल करते हैं मतलब लाइक स्लांटिंग में पुल करेंगे इस साइड या इस साइड जैसे आप देख भी सकते हैं या फिर अबव ऊपर को पुल करेंगे तो ये आप चारों साइड से ना विंच को अपने उस पे रोलर पे ही जाने देता है। ये नहीं होगा तो फिर वो ऐसे ऐसे वो बिल्कुल यहाँ पे तार चल जाएगी यहाँ पे तार। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये आ गया जी हमारा टो स्ट्रैप, ब्रांड इस पे मेंशन नहीं है, ठीक है। लगता है शैकल, ये शैकल होता है कनेक्टिंग में हेल्प करता है, इसका स्क्रू लगता है ऐसे तो ये लॉक हो जाता है। उसके बाद एक और चीज आपको बता दें, देखो यार जो भी चीज जरूरत रहती है ना ऑफ रोड पे वो हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये है जंप केबल्स, आपको बैटरी निकालने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपको बैटरी के साथ दूसरी गाड़ी की बैटरी के साथ कनेक्ट करना है। और बड़ा इसमें मतलब वो दिया हुआ है ऐसे ऐसे दबाएंगे तो वो उस पे लग जाता है तो ज्यादा आपको टाम झाम नहीं है। इट्स कॉल्ड टायर कंप्रेसर और इसमें वैक्यूम क्लीनर भी है ब्लैक कैट कंपनी का। ये कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है, ये हमारे खुद का खरीदा हुआ सामान है। यहाँ पे इसका प्रेशर आता है, कभी कभी क्या होता है जैसे लोग कहते हैं कि आप अपना टायर डिफ्लेट करके ऑफ रोडिंग करो, वो बहुत आसान हो जाती है, बट उसके बाद क्या होता है कि यहाँ से ना आपका टायर डिबीड होने का डर रहता है। हाँ, यहाँ से टायर अपना ये ग्रिप छोड़ देगा, ग्रिप छोड़ देगा तो देन उसके बीच में रेत आ जाएगी, फिर आपको टायर निकाल के साफ सूफ करके फिर वापस लगाना पड़ेगा इसमें, और उसके लिए भी आपको एयर कंप्रेसर चाहिए होगा। आपको कैंपिंग शैंपिंग में जरूरत पड़े वो सामान दिखा रहे हैं, ये ऊपर से फेंक रहे और मैं कैच कर रहा हूँ। अरे रुको यार, रुको रुको, ये लगभग सारा सामान हम ले आए हैं कैंपिंग ऑफ रोड एक्सपेडिशन कहीं पे। हाँ, मतलब अगर आपके पास एक 4x4 गाड़ी है ना तो ये सामान आपके पास होना चाहिए, कहने का मतलब। ये शवल है, इसमें एक्सटेंशन दी हुई है, मैं आपको खोल के इसको दिखाता हूँ, तो ये इससे आप डिग कर सकते हो। तो ये छोटा सा ही है लेकिन सबसे बेस्ट चीज़ है कि ये फोल्ड हो जाता है। ये यहाँ पे कटर आ गया और ये इस साइड आपको ये दिख गया। ओके, बर्फ में जाते हैं ना तो सबसे पहले हाथ और पैर सुन्न हो जाते हैं, तो ये हीट सॉक्स हैं, ये -25 डिग्रीज के लिए रेटेड होते हैं। देन उसके बाद हम आ जाते हैं फोल्डिंग चेयर पे, कहीं जाते हैं तो उसके लिए हमें फोल्डिंग चेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, हम इसके लिए जाएंगे खोल के। ओके, बिल्कुल कंफर्टेबल है, इसमें कप होल्डर भी दिया हुआ है। स्विस नाइफ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ भैया, स्विस नाइफ इसमें सब कुछ होता है, स्क्रू ड्राइवर से लेके ये आप देख रहे हो। तो ये तरुण भाई जान पूछ के ऊपर बैठे हैं। नहीं देखो यार, मैच होना चाहिए ऐसे, मैं छोटा दिखता हूँ फिर कैमरा ऊपर रखना पड़ता है, दिक्कत होती है। तो आज की वीडियो में हमने हर एक चीज कवर की है, हर एक चीज। हाँ, कोई गलतियाँ भी होंगी तो उसके लिए। जिप्सी और थार के बीच आपको एक मेजर डिफरेंस बताया, मेजर एक नहीं बहुत से डिफरेंसेस बताए, प्राइस पॉइंट को लेकर कुछ चीजें थी वो बताई और आपको क्या क्या चीजें टूल्स जरूरत में रहती है वो बताई। साहब कुछ तो बोलिए, बस यही है, बाकी आप अपना सपोर्ट बनाए रखें, इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो करें। हाँ, साहब को इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जरूर मिल जाएगा। तो नई लिंक खोलना तो शोएब कासिम आप सर्च करेंगे तो आप। तो आज की वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही, आज की वीडियो के लिए इतना ही, मोर कंटेंट मोर बिग प्रोजेक्ट कमिंग अप एंड आपको उसका एक्सक्लूसिव फुटेज मिलेगा स्मॉल टाउन रेडर चैनल। क्या बात है, चीज बनी तो आपको ऑफ रोड टेस्ट करके भी दिखाएंगे बट उसका भी श्योर नहीं बता सकते। हाँ श्योर है, तो बड़ी मुश्किल से हमने इस चीज के लिए भी मैनेज करा है आज। बस आज की वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही, बस इतना ही। ओके, बाय बाय गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वन, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। हां, तो सी यू इन द नेक्स्ट वन, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर, बाय बाय।